हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। प्यारे दोस्तों, आप सब मुझे जानते हो और मैंने कई वीडियो में आप लोगों को बताया भी है कि ऑल इंडिया रैंक वन होल्डर हूं मैं MSW के एंट्रेंस में। ये मास्टर्स इन सोशल वर्क का एंट्रेंस जो ऑल इंडिया लेवल पे होता है, BHU से मैंने कंप्लीट किया है। देन गॉट प्लेसमेंट, क्रैक्ड DU LLB। बहुत ही वाइड एक्सपीरियंस है आप जैसे बच्चों को ये मेंटरिंग करने का। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बात करेंगे। जो बच्चे भी DU MSW निकालने वाले हैं, BHU MSW पे हमने एक डेडिकेटेड अलग वीडियो बना दिया है। MSW की एक अलग प्लेलिस्ट है, वहां से आप जाकर के देख सकते हो। हमने DU MSW के ऊपर बनाने का वादा किया था और आपको वो बना भी रहे हैं। साथ ही साथ आपको बताया कि जो बच्चे हमारा ये कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं, उनको ये सामने जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, ये व्हाट्सएप नंबर भी है और पेमेंट नंबर भी है, UPI ID भी दे दिया है। आपको ऐसे ही पेमेंट करके और उसका स्क्रीनशॉट शेयर करना है। DU MSW के जितनी भी तैयारी मटेरियल होंगे, स्टडी मटेरियल होंगे, लाइव क्लासेज होगी, रिकॉर्डिंग्स होगी, मॉक टेस्ट होगी, सब कुछ हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आपको एक हम नोट्स का जो हिंदी और इंग्लिश हमारा दोनों होगा उसकी थोड़ी सी डेमो दिखा देते हैं। इस तरीके से हम आपको प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हर चीज आपको पढ़ना होगा। आपको हैंड टू हैंड मटेरियल प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको बस सिंपल A1 क्लिक में आप ज्वाइन कर सकते हो। दोनों लैंग्वेज में एलेबोरेट करते हैं, समझाते हैं, और एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएंगे उसके साथ हम आपको सारी चीजें बताएंगे। तो चलो फिर, ठीक है, जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए ठीक है, बट जो नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं उनको सिलेबस समझो और क्या DU की रिक्वायरमेंट है आप इसको समझते चलो। देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने MA इन सोशल वर्क में क्लियरली लिखा है, फॉर एडमिशन टू MA सोशल वर्क, सबसे ऊपर आपको देखना है सोशल वर्क, द कैंडिडेट मस्ट फुलफिल द प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी। आपकी जो प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी है उसको पार करना पड़ेगा एंड अपीयर इन द रेस्पेक्टिव CUET पेपर। क्लियरली यहां लिखा हुआ है कि रेस्पेक्टिव CUET के पेपर में एग्जाम आपका देना होगा। आपको ये दिमाग में रखना है कि अब DU अपना अलग से पेपर इस एग्जाम के लिए नहीं लेगा, रेस्पेक्टिव CUET। तो CUET के वेबसाइट पे जाएंगे, CUET वाला देखेंगे कि वहां उनका क्या डिमांड है, तो वो हम लोग देखेंगे। उसके पहले सीट्स कितनी है देख लेते हैं, क्या BHU से ज्यादा है या कम है। एकदम डेफिनेटली डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क इनका है, इसमें अनरिजर्व कैटेगरी की 44 है। तो सिंपल इसका कैलकुलेशन होता है, 44 का दुगुना कर दो। अब BHU में कितनी सीटें थी, 59 सीटें थी, लेकिन यहां पर कितनी, 88 सीटें के आसपास है। बाकी आप जोड़ोगे तो आपको उतना ही लगभग आएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। CUET पेपर कोड यहां पे आप क्लियर रहो। क्या हो रहा है ना, पेपर कोड बड़ी कंफ्यूजन क्लियर कर रहा है। मैं इसलिए आपको पेड कोर्स ज्वाइन करने के लिए कह रहा हूं क्योंकि ये जनरल सिलेबस नहीं है, ये स्पेसिफाइड इन्होंने कर दिया है। और सिलेबस कोड वो वाला नहीं है जो BHU ने इस्तेमाल किया, ये है HUQP21। और ये कहां पे है, आइए ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में हम देखते हैं। यहां पे जब आप देखोगे, कॉलम नंबर आपको आना है 2A। यहां पे मैंने अंडरलाइन भी कर दिया, आपको दिख रहा होगा आई थिंक, सबसे ऊपर की तरफ, सबसे ऊपर की तरफ ये वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा। आप इस चीज को समझो, ये वाला, ठीक है। यहां पे क्या लिखा है, HUQP01 से P26 तक, और इसी में P21 आता है। ध्यान से समझो, एकदम फोकस बना के, गड़बड़ी नहीं करोगे, एकदम लगातार पढ़ाई करोगे तो फिर रिजल्ट आएगा आपका। तो ये जो पार्ट ए है, इसमें 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज आप दोगे उसका क्लियर कट दिमाग में रखो। नो मैटर, नो बैरियर, आप कौन से लैंग्वेज देना चाहते हो, हिंदी या इंग्लिश, कोई एक पूछा जाएगा, ठीक है। ये 25 पार्ट ए में होगा। कॉम्प्रीहेंशन या वर्बल एबिलिटी, बात करने की क्षमता, बोलने की क्षमता, लिखने की क्षमता को वर्बल एबिलिटी कहते हैं। जनरल अवेयरनेस भी पूछे जाएंगे, मैथ और क्वांट पूछे जाएंगे इसमें 25 क्वेश्चन में ही, और आपको एनालिटिकल स्किल्स देखे जाएंगे आपके मात्र 25 क्वेश्चन में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने सॉल्व करवाया है, आपको अपने प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। 2021-22 तक हमने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया हुआ है। दूसरा है पार्ट आई थिंक ये हो गया। दूसरा है डोमेन नॉलेज क्वेश्चन। डोमेन नॉलेज कौन सा, आप सोशल वर्क का दे रहे हो तो सोशल वर्क का डोमेन आपको बताना पड़ेगा। अब सोशल वर्क का डोमेन का सिलेबस क्या है, ये पूरा मैंने डिटेल एलेबोरेट किया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और आई बटन पे भी दूंगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हो। सोशल वर्क का सिलेबस आपको जानना जरूरी है, क्या सिलेबस है, कौन कौन सी चीजें पूछी जाएंगी, ठीक है। तो वो तो चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी।
तो डोमेन स्पेसिफिक 75 है, इट मींस कि अगर इसमें आप हाई मार्क्स नहीं लाओगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। इसीलिए मैंने कहा था कि दो ही रास्ते हैं, या तो मैंने जो रास्ते आपको डोमेन की तैयारी करने के लिए जो जो चीजें आपको बताई हैं वो आप कर लो, या फिर आप पेड कोर्स ज्वाइन कर लो, टाइम नहीं है, किसी भी तरीके से पढ़ो, आप सेल्फ पढ़ो या अपने से पढ़ो या फिर कहीं से पढ़ो, लेकिन पढ़ाई स्टार्ट कर दो क्योंकि यही राइट टाइम है। तो सिलेबस आपको हमने बता दिए, आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल नोटिस हमने दिखा दिया, ऑफिशियल नोटिस आप खुद डाउनलोड कर सकते हो, जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है उनका हमने ग्रुप बना के रखा है और उस ग्रुप में आप रहोगे तो आपको काफी इंफॉर्मेशन भी मिलती है, तो आपको ये सारी जानकारी इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।